तो भाई लोग फाइनली हनुमान मूवी का टीजर हमें देखने को मिल गया जो पूरे 1 मिनट एंड 41 सेकंड्स का था। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसको 4K में रिलीज किया गया जिस वजह से इस पूरे टीजर की क्लैरिटी माइंड ब्लोइंग थी। और देखो इतने छोटे से टीजर में हमें बहुत ज्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो भी चीजें मुझे अच्छी लगी बुरी लगी वो सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हनुमान मूवी पार्ट होने वाली है प्रशांत वर्मा के खुद के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसमें और भी कई सारे सुपर हीरोज आगे जाके आने वाले हैं। इन्होंने आज से कुछ महीनों पहले एक और मूवी का अनाउंसमेंट किया था जिसका नाम अधीरा, और अगर आप YouTube पे जाके सर्च करते हो तो आपको उसका भी टीजर देखने को मिल जाएगा। वो इसी सेम सिनेमैटिक यूनिवर्स के अलग सुपर हीरो पे बेस्ड है जिसकी अलग पावर्स हैं, वो सिटी वाली फील है, वेरस हनुमान मूवी अलग सुपर हीरो पे बेस्ड होगी और इनकी फील पूरी एकदम गांव और जंगल वाली लग रही है। अब सबसे पहले अगर इस पूरे टीजर की फील पे बात करी जाए तो देखो ये पूरा टीजर काफी ज्यादा वाइब्रेंट है, कलर्स एकदम बढ़िया तरीके से सैचुरेटेड है, और ना ये चीज उसकी क्लैरिटी और उसकी ब्यूटी, मतलब जो पूरा एक एटमॉस्फेयर है और जो पूरा यूनिवर्स क्राफ्ट किया गया है उसको काफी ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड कर रही है। और देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर केस में वाइब्रेंट टोन और ये कलर चॉइसेस वर्क नहीं करती हैं, लेकिन इस मूवी के केस में बहुत ही परफेक्टली काम कर रही हैं। एंड जो चीज मैं बार बार नोटिस कर रहा था वो यही थी कि मूवी के विजुअल्स बहुत ज्यादा क्रिस्प है। मैं विजुअल्स की बात कर रहा हूँ, VFX की नहीं, VFX पे थोड़ा आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद इस टीजर में एक शॉट और आता है जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि ये एक और कोई सुपर हीरो है, तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इन लोगों ने अधीरा को टीज किया तो ये वो हो सकता है। लेकिन अधीरा के टीजर को एक बार फिर से देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसके चेस्ट पर एक ए बना हुआ है लेकिन इस वाले कैरेक्टर के चेस्ट पे नहीं है, तो ये प्रोबेबली कोई और सुपर हीरो होगा जो इसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में है। एंड इसको देखकर ये लग रहा है कि भाई काफी सारे सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे इस यूनिवर्स में। फिर इसके बाद इस पूरे टीजर की स्टार्टिंग में एक छोटी सी चीज का मेंशन किया जाता है और वो है हनुमान जी का रक्त रतन, जिसका मतलब ये है कि ये मूवी भी बाकी सुपर हीरो मूवीज की तरह एक मैकगफिन के आसपास होने वाली है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मायावी शक्ति या बहुत ज्यादा पावर को कैरी करता है और उसी को एक्वायर करने के लिए हीरो विलन सब लोग आपस में लड़ने वाले हैं, और जिसको भी वो मिलेगा Probably उसके पास हनुमान जी जैसी शक्तियां आएंगी। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर, और वो है VFX। तो देखो ये टीजर काफी छोटा सा है लेकिन इसको देखकर हमको ये बात समझ में आ रही है कि मूवी काफी VFX हैवी होने वाली है। इनफैक्ट इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने भी ये बात बोली है कि वो लोग एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उन्होंने RRR और जो बाकी बहुत ही ज्यादा विजुअली ब्यूटीफुल मूवीज होती है उनके नाम लेकर कहा कि वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस तरह का एक्सपीरियंस दे पाए। और थोड़ी सी सर्च करने पर मुझे ये पता लगा कि इस मूवी के जो VFX है उनको हेलो ह्यूज नाम के स्टूडियो ने दिया है जो हैदराबाद में ही सिचुएटेड है, और इनकी वेबसाइट को विजिट करने पे बहुत क्लियरली इस बात की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली कि इन लोगों ने कौन कौन से मूवीज पे काम किया है, लेकिन इनके वेब पेज पे RRR दिखती है और एक दो साउथ इंडियन मूवीज और भी, बट एज वी ऑल नो कि RRR के विजुअल इफेक्ट इन्होंने नहीं दिए, तो मोस्ट प्रोबेबली एक नया स्टूडियो है। लेकिन इस टीजर को देखकर ये पता लग रहा है कि जो काम इन लोगों ने इस मूवी में किया है वो एक सेंस ऑफ रियलिज्म को प्रोवाइड कर रहा है, क्रिस्प डिटेल्स दे रहा है। और पर्सनली इस पूरे टीजर में जितने भी VFX मुझे देखने को मिले हैं वो परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ बहुत अच्छे हैं, मतलब पर्सनली मेरे लिए ऐसे VFX बहुत आराम से काम कर जाएंगे। अगर आप वो ड्रोन शॉट्स को देखते हो, फिर वो अंडर वाटर वाला पूरा जेलीफिश वाला शॉट देखोगे जिसमें वो रक्त रतन प्रोबेबली ग्लो कर रहा है, तो ये सारे शॉट्स देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। और जैसे अंडर वाटर वाला शॉट है तो उसमें एक डार्कनेस दिख रही है, जेलीफिश की लाइट्स का ग्लो है, तो आई फील कि अंडर वाटर शॉट्स ऐसे होने चाहिए 500 करोड़ वाली मूवी जैसे नहीं। एंड मैंने गूगल पे जाके इसका बजट सर्च करने की कोशिश करी, लेकिन जब से वो 500 करोड़ वाली पिक्चर का कांड हुआ है तो उसके बाद से कोई भी अपनी मूवी का एक्चुअल बजट रिवील करने में थोड़ा सा डरता है, बट आई स्टिल फील कि इस मूवी का बजट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है उस हिसाब से इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, काफी ज्यादा अच्छा। फिर इसके बाद जो पूरे टीजर को एक वो हनुमान चालीसा वाला बैकग्राउंड स्कोर प्रोवाइड किया गया है तो वो बहुत मजेदार है, मतलब उसको देखकर ऐसे गूज़बम्स वाली फील आती है, तो वो एक्साइटिंग है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी और बुरी चीजें दोनों पे बात करेंगे, तो देखो मूवी अभी अपनी अर्ली स्टेजेस में है, इस पूरे टीजर को देखकर ही बात समझ में आती है। टीजर के कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, वेयर एज कुछ ऐसे हैं जो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट फील नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हनुमान जी की गदा को उठाकर उड़ने वाला सीन है जो एकदम ऐसे फट से उड़कर निकल जाता है वो, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत कमी है, बट आई वुड स्टिल से कि VFX को परफेक्ट करने में टाइम लगता है, एंड बाय द टाइम मूवी रिलीजेस धीरे धीरे करके इन चीजों पे काम होता रहता है, तो जब तक मूवी आएगी तब तक आई होप कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर इसके बाद वो जैसे लोगों को उड़ा दिया जाता है तो वो 5-6 लोग जो हवा में है उनको देखकर भी ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी VFX उतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये जितनी भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां है VFX को लेकर, ये आई थिंक की मूवी की रिलीज तक काफी ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव कर ली जाएंगी। और पर्सनली मुझे लगता है कि यही चीजें एक सुपर हीरो मूवी को कैरेक्टराइजेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी हम कुछ और कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, जैसे एक आई पैच वाला कैरेक्टर है जिसने ऐसे मुंह पे मास्क वास्क लगा रखे हैं, तो ये सारी चीजें देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि ये शहर की कहानी है, गांव की कहानी है,
क्या कुछ चल रहा है इसमें। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से हनुमान के टीजर ने वही किया जो एक टीजर को करना चाहिए, अपनी मूवी को टीज करके उसके ऊपर हाइप बढ़ाई है। और अब देखना यह है कि इसका ट्रेलर कब ड्रॉप होता है, क्योंकि इस टीजर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई मूवी में पोटेंशियल है और इसका ट्रेलर और भी कई सारी चीजों को क्लियर करेगा। तो लेट्स जस्ट होप कि लोग ट्रेलर को जल्दी ड्रॉप करें। मुझे नहीं पता कि ट्रेलर ड्रॉप कब होगा, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट्स में बता देना। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को टीजर कैसा लगा। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करते नहीं बोल देते हो। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।